देखिए, बड़ा अफसोसनाक है। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के ऐतिहासिक बहुमत से मोदी जी की नज़रों में 67 खूंखार अपराधी चुने गए, और मोदी जी जैसा बहादुर प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज की तारीख में, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, उनमें से एक को भी वो जेल के अंदर नहीं रख पाए हैं। इस घटना के पीछे की सच्चाई कुछ इस प्रकार की है कि PWD ने जनता के हितों को, गौतम नगर की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक नाले के डेमोलिशन का काम शुरू किया, जो वहाँ की स्थानीय जनता, दिल्ली की पुलिस और सोमनाथ भारती की उपस्थिति में हो रहा था। और उसी डिमोलिशन में सच्चे झूठे आरोप लगाकर आज सोमनाथ भारती जी को गिरफ्तार किया गया है, साकेत कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हम माननीय मोदी जी को बताना चाहेंगे कि जनता के साथ खड़े होने के लिए, जनहित के कामों को करने के लिए यदि वो हमें फांसी पर भी लटका दें, तब भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो अपना काम अपनी पुलिस के जरिए करवाते रहें, अपने राजनीतिक हितों को साधते रहें, हम जनता के हितों को साधना बंद नहीं करेंगे। सर, साकेत कोर्ट में ही से ही बेल मिली है आपके अमानतुल्लाह को, अभी एक दिन की जेसी के बाद एक की रवानगी हुई और एक मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतना बहादुर प्रधानमंत्री है, जो विपक्ष में होता तो इस समय पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा चुका होता, और ऐसे बहादुर प्रधानमंत्री के होने के बावजूद अभी तक वो एक को भी अंदर नहीं रख पाए हैं, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक है उनके हक में। बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की गिरफ्तारियों से यदि वो सोचते हैं कि दिल्ली के विधायक, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता डर जाएंगे, वो किसी गफलत में हैं। वो हमें जनता के साथ खड़े होने के लिए फांसी पर भी लटकाना चाहें तो लटका सकते हैं।